तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे विन भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन का जो पहला टीटन का मुकाबला होने वाला है डीसीसी वर्सेस आरओटी के बीच में। इस मैच में आपको फुल डिटेल एनालिसिस करके दूंगा और आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रंप ऐसे हैं जिनको आप लोग बिल्कुल से गेम में कवर अप करके चलना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के कुछ बेस्ट पिक आपको बताऊंगा, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के कुछ बेस्ट डिफरेंशियल ऑप्शन, ए टू जेड सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा इस मैच के बारे में। बस आपको एक काम करना है, पेशेंस के साथ में आपको वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। अब देखो भाई, नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, साथ में इस वीडियो में भी आपको हमारे सारे वीडियोज़ की तरह 200 रुपीज़ का बिल्कुल फ्री गिव अवे मिलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के बीच में मैंने कहीं भी एक क्वेश्चन पूछा है आप सभी से इसी मैच के रिलेटेड, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो। बैक टू बैक क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप हम लोग कर रहे हैं टीटन के मैचेस में और आप लोग देख सकते हो कल ये वाला मैच मैंने कवर किया था, ठीक है। अप टू मिनी ग्रैंड लीग भाई हमारा विन गया था, आप लोग देखो ये दो हमारे ट्रंप थे। वेनकटा ने 3 ओवर में 2 विकेट लिए और यहाँ से संजू करुणारत्ने ने 2 ओवर में 4 विकेट, तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाला अपना परफॉर्मेंस रहा था। मिनी ग्रैंड लीग तक हमने विनिंग की थी इस मैच में। इसके अलावा देखो यहाँ से जो भी गिव अवे का विनर बनता है ना, उसका अनाउंसमेंट साथ में पेमेंट प्रूफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करता हूँ और बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर और कोई भी न्यू प्लेयर खेलता है उन सभी का स्टैट्स ए टू जेड भाई सब कुछ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही प्रोवाइड करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री हम सर्विस देते हैं, कोई भी आपसे पैसा नहीं लेते, तो आके आप लोग ज्वाइन हो जाना। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्लिक करोगे ना, जो वहाँ पर पहला कमेंट होगा मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो भाई मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ चुका हूँ सीधा ड्रीम इलेवन पर। बात करते हैं हम लोग यहाँ से टीम की, तो देखो विकेट कीपर सेक्शन की बात करूँ, 3 ऑप्शन यहाँ से आपको दिखने वाले हैं, डी सुदर्शन, एस तरीक और यहाँ से एस मीर। और देखो डी सुदर्शन है ना आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग देगा प्लस आपको विकेट कीपिंग करके देगा, क्योंकि भाई लास्ट मैच में यहाँ से स्टैन आहूजा ने नहीं खेला, लेकिन भाई अगर खेल गया तो बिल्कुल टीम में लेना, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये नहीं खेलेगा, तो इसलिए अपनी टीम में अभी के लिए मैं डी सुदर्शन को लेकर चल रहा हूँ। एस तरीक दिखेगा आपको बकवास बैट्समैन है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, खेलेगा भी तो आप लोग ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना एक दो टीम, इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस इसने अभी तक किया नहीं है। देखो एस मीर एक ठीक ठाक प्लेयर है, सेकंड डाउन बैटिंग करने आएगा अपनी टीम की तरफ से और सेकंड लास्ट जिसका पहला मैच हुआ था उस मैच में इसने जो है ठीक ठाक स्कोरिंग किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं सीधा बात करता हूँ यहाँ से बैटिंग सेक्शन की। देखो भाई बैटिंग सेक्शन यहाँ पर ना आप काफ़ी सारे प्लेयर देखने वाले हैं, सबसे पहले आपको टीम में पिक कर देना है अब्दुल हसीब को, जो आपको सेकेंड या थर्ड डाउन बैटिंग करके देगा। इसका बैटिंग पोजीशन बिल्कुल फिक्स नहीं होता, कभी भी ये बंदा बैटिंग करने आ जाता है, ठीक है। तो बैटिंग करके देगा ही, साथ में आपको भाई 2 ओवर की बॉलिंग भी देगा और विकेट टेकर बॉलर है, तो ग्रैंड लीग में आप लोग ग्रैंड लीग के स्मॉलिंग में भी आप लोग सीरीज को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से केएल दिलदार एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, दो मैच नहीं अगर 10 मैच ये खेलेगा तो 4-5 मैच में आपको अच्छा खासा पारी खेल देगा, बाकी 4-5 मैच में फ्लॉप। हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, चलेगा तो लंबा जो है खेलेगा, अदरवाइज 0 पे भी आउट हो सकता है। तो अगर आप लोग 4 मेंबर खेल रहे हो तो आप लोग इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, आपके लिए ये जो है वर्क कर सकता है। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से आपको देखिए यदविंदर सिंह, देखो स्टार्टिंग के मैचेस में ना ये बंदा बिल्कुल ख़राब फॉर्म में था, फिर बीच के मैचेस में इसका फॉर्म आ गया, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में फिर से इसका फॉर्म जो है ख़राब हो गया है। लास्ट के 2 मैचेस में सिर्फ इसने 4 रन स्कोर किए हैं, लेकिन भाई प्लेयर अच्छा है, हार्ड हिटिंग के लिए जाना जाता है और अच्छी खासी पारी खेलते हुए आपको ये बंदा दिख सकता है। अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रहा बिकॉज यहाँ से आरओटी की टीम जो है ना, इनके पास बॉलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और हाई चांसेस हैं आज के मैच में भी यदविंदर सिंह फ्लॉप हो जाए, तो इसीलिए अभी के लिए मैं इसको पिक नहीं कर रहा। लास्ट टाइम में मुझे अगर लगेगा कि वाई सिंह इंपॉर्टेंट है तो मैं भाई टीम में पिक कर दूंगा और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर देना अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, बेनिफिट आपका ही है। तो यहाँ से आप, मैं बात करता हूँ सीधा ऑलराउंडर सेक्शन की, बिकॉज नीचे प्लेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक कोई खेला ही नहीं है इस टूर्नामेंट में, ठीक है। जेड सेफी भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से 3-4 प्लेयर हैं आपको देखेंगे नीचे, स्टैट्स सभी का है मेरे पास लेकिन खेल कोई नहीं रहा, अगर कोई भी खेल गया स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, उससे पहले मैं एक बार आपको लीग इलेवन एप्लीकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखो भाई लीग इलेवन एप्लीकेशन इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, और आने वाले टाइम में भाई ड्रीम इलेवन को भी टक्कर देगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ना एडवांटेज मिलते हैं खेलने के,
सबसे कम एंट्री फीस है यहाँ पर मार्केट में, ठीक है, किसी भी ऐप से आप कंपेयर कर लो। यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो कॉन्टेस्ट ड्रीम इलेवन में 3,850 का है, ये वाला कॉन्टेस्ट यहाँ पर मतलब लीग इलेवन में 3,467 रुपये का, ठीक है। तो भाई 3-400 रुपये आपका सिर्फ एंट्री फीस से ही सेव हो जा रहा है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप इस टाइप के कॉन्टेस्ट दिन में 5-10 भी खेलते हो ना, तो भाई आपके 3-4 हज़ार तो सिर्फ एंट्री फीस से ही सेव हो जाएंगे, मतलब महीने का आप 1-1.5 लाख तो सिर्फ एंट्री फीस से ही सेव कर लोगे, ठीक है। तो भाई सीरियस लो बात को, लिंक इस एप्लीकेशन का भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, जाके आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंस्टेंट बैंक विड्रॉल मिलता है, अंडर 30 मिनट्स आप लोग का विड्रॉल आपको रिसीव हो जाएगा। 24/7 की कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगी, डेली आपको फ्री गिवअवेज मिलेंगे सारे मैच में, और 10-1 बेटा करके फीचर मिलेगा आपको, जिसमें आप लोग बिल्कुल सेम ड्रीम इलेवन जैसी टीम क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो जाके डाउनलोड कर लेना, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग अपना यहाँ पर खेल के लॉस रिकवर कर चुके हैं, आप लोग भी आज से शुरू हो जाओ। आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, बात करता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से। यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी टीम में पिक कर देना है अभितेश प्रसर को। भाई देखो अभितेश प्रसर अपनी टीम का मेन प्लेयर है, सेकंड राउंड बैटिंग करने आएगा, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस से इसने जो है बॉलिंग बंद कर दी है, उसका रीज़न ये है ROT की टीम पहले बैटिंग करती है, 100-150 रन स्कोर कर देती है और जीत लगभग इनका फिक्स हो जाता है कि जीतना बिल्कुल पक्का है। इसलिए ये खुद बॉलिंग ना करके जो पार्ट टाइमर बॉलर है या फिर जो ऐसे ही बॉलर है जिनका ओवर फिक्स नहीं है, उन सबको बॉलिंग दे देता है, ठीक है। तो इसलिए अभितेश प्रसाद जो है आप लोग CVC के लिए जो है ट्राई अगर करना चाहो तो हटा भी सकते हो CVC के कैटेगरी से, बिकॉज बॉलिंग इसने करना थोड़ा सा कम कर दिया है। हालांकि अगर ROT की टीम पहले बॉलिंग कर जाएगी तब इसके 2 ओवर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि हम बॉलिंग ना करें वरना रन ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अभितेश प्रसाद को सिर्फ आपको CVC तब ट्राई करना है जब यहाँ से ROT की टीम पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि उसके इसमें ए प्रसाद के 2 ओवर फिक्स रहेंगे प्लस सेकंड राउंड बैटिंग भी इसका फिक्स रहेगा। तो अभी के लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ और कैप्टन हाई चांसेस है, मैं इसी को बनाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ से वकार महमूद फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ रहा है, 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, CVC के लिए बेस्ट ऑप्शन, टीम में तो होना ही चाहिए। जेड खान कुकी खेल देखो खेल नहीं रहा, लास्ट के 3-4 मैच इसमें खेले नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस मैच में भी नहीं खेलेगा, इसीलिए अभी के लिए मैं इसको टीम में नहीं लूंगा। नेक्स्ट यहाँ से धीरज गायकवाड़ जो आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देगा, अगर पहले ओवर में 20-25 रन इसने खा लिए तो भाई सेकंड ओवर इसका कट हो जाएगा, लेकिन अगर पहला ओवर इसका सही निकल गया तो 2 ओवर इसके फिक्स हैं, ठीक है। साथ में आपको सेकंड या थर्ड डाउन बैटिंग भी करके देगा, तो भाई बिल्कुल से टीम में लेके चलना है। डी गायकवाड़ एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, सीट वाले बकवास बैट्समैन है, बहुत धीमा खेलता है और साथ में कुछ खास कंसिस्टेंसी भी नहीं है इसके पास, तो बिल्कुल ड्रॉप करना, ग्रैंड लीग में भी ट्राई मत करना, बकवास है बिल्कुल। नेक्स्ट है अभिषेक खतरपाल, देखो अभिषेक खतरपाल एक काफ़ी सही प्लेयर है, 2 ओवर की आपको बॉलिंग करके देखा और विकेट टेकर बॉलर है, हालांकि लास्ट के कुछ मैचेस इसने खेले नहीं है, अगर खेलेगा टीम में ले लेना भाई, अच्छा प्लेयर है, 2-3 विकेट किसी भी मैच में आपको निकाल के दे सकता है। उसके अलावा यहाँ से कोई और अच्छा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। केद हाई फुले है, ये बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, बॉलिंग नहीं करता, ड्रॉप करो। देखो नीचे से यहाँ से 3-4 प्लेयर आपको दिखेंगे न्यू है, अगर कोई भी खेल गया स्टैट्स में आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, उससे पहले भाई गिव अवे के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के मैच में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी टोटल कितना रन वो स्कोर करने वाली है, ये है गिव अवे के क्वेश्चन। कुछ रूल्स हैं गिव अवे के, मैं आपको बता दूं, जो भी आप कमेंट करोगे ना आपको एक बार से ज़्यादा कमेंट नहीं करना। दूसरा रूल ये है कि आपको कमेंट को एडिट नहीं करना, अगर आप मैच के बाद भी एडिट करोगे ना फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो भी कमेंट करोगे उसके साथ में आपको हैशटैग लगा के ड्रीम टीम से लिखना है, तभी आपका जो कमेंट है एलिजिबल होगा, तभी आपको प्राइज मिलेगा अगर आप जीतोगे तो। तो ये कुछ रूल्स है भाई, फॉलो करके कमेंट करना, अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको प्राइज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, बी सिंह एक विकेट टेकर बॉलर है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लास्ट मैच में 3 विकेट लेके आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पीक पर होगा इसके, तो बिल्कुल टीम में आपके होना चाहिए, प्लेयर काफ़ी ज़बरदस्त है। अब्दुल मनन को मैं इसलिए ले रहा हूँ टीम में, ROT की टीम फेवरेट है मैच विन करने के, और इसीलिए मैं ROT के जो मेन मेन बॉलर है उनको अपनी टीम में कवरअप करके चलना चाहूँगा। अब देखो आर कुमार का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस से इसने बॉलिंग करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, बिकॉज BCC की टीम में ना ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर्स आ चुके हैं, जिस वजह से आर कुमार को बॉलिंग नहीं मिल रही। और क्योंकि यहाँ से नरसिम्हान जो है ना इनकी टीम का कैप्टन है, तो भाई आर कुमार को सिर्फ बैटिंग मिल रही है फर्स्ट डाउन या फिर कभी कभी ओपन आ जा रहा है, लेकिन बॉलिंग इसको नहीं मिल रही, ठीक है। तो ऐसे बैट्समैन अगर आप देखोगे ना आर कुमार को, तो भाई बिल्कुल बकवास है, ठीक है, काफ़ी धीमा खेलता है, तो इसलिए मैं आर कुमार को टीम में नहीं लूँगा। लास्ट मैच में भी मैंने नहीं लिया था और ये भाई ये बंदा फ्लॉप हो गया था बैटिंग बॉलिंग दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए वीर नरसिम्हान, देखो ये बंदा प्लेयर काफ़ी सही है, ठीक है, लास्ट मैच में मैंने इसको पिक भी किया था अपनी टीम में, 2 विकेट लिया था, मैंने आपको जस्ट दिखाया था जब मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता रहा था, 2 ओवर में इसने 2 विकेट लिया था और प्लेयर काफ़ी सही है, लेकिन भाई आज के मैच में ROT की टीम सामने है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है,
तो मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में वीर नरसिम्हन कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा अपनी टीम की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रहा। बाकी देखो एच दिलदार आपको नेक्स्ट देखिए, लास्ट मैच में इसने दो ओवर की कंप्लीट बॉलिंग की थी, उससे पहले वाले मैच में भी दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग की थी। किसी के ओवर कट हो या ना हो भाई, इसके ओवर बिल्कुल फिक्स रहते हैं, तो बिल्कुल सी टीम में लेकर चलना है। आरओटी की टीम फेवरेट है मैच जीतने के, तो इसलिए आपको ट्राई करना है आरओटी के मेन मेन बॉलर अपनी टीम में कवर अप करके चलने के। तो यहाँ से मैं एच दिलदार को लूँगा, साथ में मैं एस गौतम को लूँगा जो जरूरत पड़ने पर हार्ड हिटिंग करके दे सकता है, प्लस भाई दो ओवर भी इसके लगभग फिक्स रहते हैं। अब देखो 10 प्लेयर मेरी टीम में जो है मैंने कवर अप कर दिए हैं। लास्ट प्लेयर का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपके ऊपर रहेगा आप किसके साथ जाना चाहते हो। आर कुमार को मत लेना। पहला ऑप्शन यहाँ से है वीर नरसिम्हन, जो दो ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करके देगा बिकॉज अपनी टीम का कैप्टन है। किसी के ओवर कट हो या ना हो भाई, इसके ओवर जो है लगभग फिक्स रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ से आप लोग टी गोमेज को ले सकते हो, जो लगभग आपको एक ओवर की बॉलिंग डालता हुआ दिख जाएगा। तीसरा ऑप्शन एम सकलेन, ये भी लगभग आपको एक ओवर की बॉलिंग डाल के दे देगा। चौथा ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ से वाई सिंह जो आपके लिए थोड़ा सेफ भी हो सकता है बिकॉज टॉप ऑर्डर बैटिंग आएगा। तो अभी के लिए मैं वाई सिंह के साथ चलना चाहूँगा बिकॉज भाई ये बंदे ने सेकेंड लास्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग भी की थी। तो अगर डीसीसी की टीम में किसी बॉलर का जो है दिन खराब रहा या फिर उसको पिटाई पड़ गई तो उसके ओवर जो है ना कट होकर वाई सिंह के खाते में जोड़ सकते हैं। इसलिए वाई सिंह आपको बॉलिंग पैकअप भी दे सकता है, इसीलिए वाई सिंह को मैंने अभी के लिए अपनी टीम में पिक कर रखा है। बाकी देखो टीम हो चुकी है मेरी कंप्लीट, और ये ऐसी टीम है जिसको आप लोग हर जगह यूज़ कर सकते हो। ड्रीम इलेवन हो या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन हो, लीग इलेवन हो, हर जगह आप लोग इस टीम को जो है यूज़ कर सकते हो। लेकिन भाई एक बात आप लोग ध्यान देना, अभी तक टॉस और लाइनअप नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमें पता नहीं पड़ा कि इनमें से कौन कौन प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इन सब टीम्स में या फिर कोई भी प्लेयर ऐसा होता है जो नहीं खेलता, तो फाइनल जो भी मेरी टीम होगी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर देना। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पर मिल जाएगा। सीबीसी ऑप्शंस की बात करूँ, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा मैं किसके साथ जा रहा हूँ। पहला ऑप्शन डी सुदर्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन ए हसीब, तीसरा अभिषेक प्रसाद, चौथा डब्लू महमूद। जिनमें से सेफ ऑप्शन की बात करूँ तो अभिषेक प्रसाद और वकार महमूद सेफ हैं। रिस्क के ऑप्शन की बात करूँ ए हसीब और डी सुदर्शन थोड़े से रिस्की हैं। और ग्रैंड लीग्स में आप लोग आरओटी के बॉलर से सीबीसी ट्राई करना बिकॉज भाई आरओटी के बॉलर बंडल्स में विकेट लेने वाले हैं इस मैच में। कैप्टनसी अभी के लिए मैं अपनी देने वाला हूँ अभिषेक प्रसाद को, वाइस कैप्टनसी डब्लू महमूद को बिकॉज डब्लू महमूद भाई आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करके देगा प्लस दो ओवर की बॉलिंग भी करके देगा। हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा सेफ जाना चाहो तो अब्दुल हसीब को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आरओटी की बॉलिंग अच्छी है तो मेरे हिसाब से अब्दुल हसीब बॉलिंग बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप हो जाएगा। तो देखो भाई लोग कुछ इस तरीके से मेरी टीम आपको दी जाएगी। बाकी देखो मैं फिर से बोल दूँ आपको एक बार, ये मेरी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी टॉस और लाइनअप के बाद। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।